वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत सेंटर। आज हम बात करेंगे तीन से चार एग्रीमेंट्स के जो इंडिया और यूएसए ने एक दूसरे के लिए साइन किए हैं, जिससे इंडिया को तो बहुत फायदा हुआ है, यूएस को भी हुआ है, बट मोस्टली इंडिया को फायदा हुआ है और ये मिलिट्री पावर और इंडिया का पावर दोनों बढ़ा रहा है। इन चार एग्रीमेंट का नाम है वो जो हम लोगों ने दो एक दूसरे के साइन किया है, लेमोवा, कॉमकासा, आईएसए, बेका। पहला बात करते हैं लेमोवा। लेमोवा एक का फुल फॉर्म क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। ये 2016 में साइन हुआ था। इसके अंतर्गत इंडिया या यूएस कोई भी एक दूसरे का नेवल बेस इजीली यूज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फूड, फ्यूल, वेपन्स, मेंटेनेंस, कोई भी चीज की जरूरत हो तो वहां कर सकता है। इसमें इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं है कि यहाँ से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल फोन करेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। यहाँ से सिर्फ जिसको चाहिए, आर्मी को चाहिए तो आर्मी का चीफ फोन कर देगा उसके आर्मी चीफ को, एयरफोर्स का चीफ चाहिए अपना तो एयरफोर्स का चीफ उनको फोन कर देगा, या नेवी का चीफ उनके नेवी चीफ को फोन कर देगा कि वी रिक्वायर दिस और नीड्स वहां फुलफिल कर दी जाएंगी। एक बात और आपको बताता चलूं, अमेरिका के पास, यूएसए के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयरबेस और नेवल बेस है पूरे वर्ल्ड में, हर अलग अलग कंट्री में। इससे एक बात बहुत अच्छी लगी लेमोवा के बाद, आपको पता है हम पाकिस्तान में भी बिना पाकिस्तान को पूछे, हम पाकिस्तान के अंदर बिना पाकिस्तान को पूछे एंट्री ले सकते हैं। अमेरिका का एक बेस पीओके में भी है, गिलगिट में, जो पीओके में आता है हमारा ही हिस्सा लेकिन जो पाकिस्तान कब्जा हुआ है, गिलगिट तक हम विदाउट पाकिस्तान का परमिशन का हम जा सकते हैं क्योंकि वहां अमेरिकन एयरबेस है। तो आप समझ सकते हैं लेमोवा का खूबी कितना है। सेकंड है कॉमकासा। कॉमकासा का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। ये 2018 में साइन हुआ था। कॉमकासा जो है 2018 में साइन हुआ था, ये क्या देता है, ये सिक्योर डेटा लिंक देता है। आप कोई भी चीज मैसेज भेजोगे या कोई भी चीज बोलोगे तो वो इनक्रिप्टेड में जाएगा। नॉर्मल हम लोग जैसे बात करते हैं आप कैसे हैं, तो रास्ते में इसको अगर कोई ट्रैक करे तो उसको यही पता चलेगा हम बोल रहे हैं, आप कैसा कहते हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री में बात होता है तो वो कुछ जरूरत का ही चीज बात करेगा, कुछ सीक्रेट ही बात करेगा, तो वो कोई दूसरा कोई बीच में ना पता कर ले, इसके लिए कॉमकासा बहुत जरूरी है। कॉमकासा का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं बोलूंगा अभी यहां से कि प्लेन्स सेंड द प्लेन्स फॉर अटैक, तो ये वहां भेजेगा नहीं कि सेंड द प्लेन्स फॉर अटैक, ये वो नहीं लिखेगा, ये भेजेगा डॉलर सिग्मा प्लस माइनस 5-2 डॉलर परसेंटेज 1-2-3, मतलब जो भी एक कोड में भेजेगा, या ये कोड हरदम एक मतलब डुप्लीकेट में बनते हैं, जो यहां बनेगा वही वहां जाएगा, तो इसको वही तोड़ सकता है जिसके पास ये मशीन है और जो कॉमकासा का मेंबर है। तो हम लोग बिना पैसा खर्चा किए, बिना कुछ किए, हम लोगों ने इन दोनों एग्रीमेंट से पहले, दोनों लेमोवा और कॉमकासा से हम लोगों ने चाइना और पाकिस्तान पे पूरा आंख बना लिया है, क्योंकि यूएस के पास सबसे ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी है इन सब चीजों के लिए, और आप समझ के चलो उसके पास सबसे ज्यादा मल्टीपल सैटेलाइट्स है फॉर सर्वेलेंस। ओसामा बिन लादेन को जब पकड़ा था तब सोचो उसका सैटेलाइट कितना स्ट्रांग है, यूएस का सैटेलाइट इतना स्ट्रांग है कि आपका घड़ी में कितना बज रहा है ना हैंड वॉच, उसको टाइम भी वो एग्जैक्ट पिक्चर के साथ आपको बता सकता है, ठीक है। एक और आपको बताता चलूं, चाइना के पास हमारे से ज्यादा सबमरीन्स हैं। इन दोनों साइनिंग के बाद हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि एक सबमरीन बनाने में कम से कम 7-10 साल जाता है, 7-10 ईयर्स, तो उतना दूर बनाए जाएंगे तो कितना टाइम जाएगा, उसका 75 है, हमारे पास 17-18 है। उससे अच्छा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दिमाग लगाया, ये दोनों एग्रीमेंट साइन किया और पीएटआई प्लेन्स ले लिया जो कि सबमरीन हंटर्स के नाम से जाना जाता है, और रोमियो हेलीकॉप्टर्स, वो भी सी में निगरानी रखने के लिए समुद्र में, और टॉर्पीडोज लॉन्च भी कर सकती है, सबमरीन्स को भी हंट कर सकती है, ये दोनों हम लोगों ने कर लिया। तो ये बहुत अच्छा चीज होगी। आपको पता है इन दोनों के बाद जो हम लोग का लेमो और इसका जब किया था हमने सैटेलाइट्स का, लेमोवा एग्रीमेंट और कॉमकासा एग्रीमेंट, इसके बाद आपको पता है कि चाइना का एक बार एक सबमरीन गुम हो गया था इंडियन ओशन में ही कहीं गुम हो गया था, उसका लिंक चाइना से टूट गया था। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का जो ये दोनों एग्रीमेंट था तो हम लोग यूएस का भी हर चीज यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा हर चीज यूज कर सकता है। हम लोगों ने बता दिया कि भाई मालदीव के पास पड़ा हुआ जाके लेके जाओ तुम्हारा, चाइना फुल टेंशन में आ गया था,
कि मेरा सबमरीन हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इंडिया वाला कैसे ढूंढ लिया, ढूंढ कैसा लिया, ये सब चीज कर लिया ना भाई। हम लोग इंडियन हैं, दिमाग पहले लगाते हैं, पैसा बाद में लगाते हैं। अगर इंडियन को पूछा जाए तो फटा हुआ चप्पल भी ट्रेन में जब बांध जाता है ना तो पंखे के ऊपर रस्सी से बांध के रखता है, तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे और तुम हमारा कोई भी चीज लेके चला जाएगा। ये तो भाई कुछ अलग ही बात हो गई है। फिर एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है ISA। ISA बोलेगा तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत आप समझो हम उसका कोई भी चीज, कोई भी हथियार हम ले सकते हैं यूएसए से। ISA के अंतर्गत इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था 2019 में, इसके अंतर्गत जो अभी आप सुन रहे हैं यूएसए ये इंजन देने को तैयार है, ये प्लेन्स ले लो, हम उसका कोई भी हाई एंड हथियार अगर हमको चाहिए तो यूएस मना नहीं करेगा, यूएस टोटली हमको ट्रांसफर कर देगा। इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा क्वालिटी ये है। तो समझिए जो हाई एंड टेक्नोलॉजी वो बनाता है, वो करता है, वो इजीली हमारे पास आ सकता है इस ISA एग्रीमेंट के थ्रू जो कि 2019 में साइन हो गया। इट इज इन कंप्लीटेड, मतलब बात चल रही थी 2019 में साइन भी हो गया, खत्म हो गया। तो ये बहुत बड़ा चीज है। F-35 लीजिए या उसका नया सबमरीन लीजिए या कुछ भी लीजिए, जो हम चाहें हम ले सकते हैं, जो हम चाहें वो हम ले सकते हैं इस एग्रीमेंट के बाद। इससे अभी इन सब एग्रीमेंट के बाद आप समझो हम लोग इस एग्रीमेंट के बाद मतलब 24/7 आकर रख सकते हैं पूरा वर्ल्ड पे, पूरा वर्ल्ड पे, और हम लोग कोई भी चीज उससे खरीद सकते हैं, कोई भी चीज जो यूएस बनाता है डिफेंस का हम खरीद सकते हैं। हमको बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, हमको चाइना और पाकिस्तान से मतलब है। बहुत के बोल रहे थे इसमें हमारा डेटा भी कौन कसम है उसके पास जाएगा, ठीक है ना, जाने दीजिए ना, कितना जाएगा, हमको तो दुनिया से लड़ाई है नहीं है, लड़ाई तुम लोग को है तो तुम लोग समझो, लेकिन उससे फायदा कितना हुआ, हम इतना सैटेलाइट भेजते करते तो हमको कितना टाइम लगता था, और हमारे पास इतना अच्छा सिक्योर डेटा लिंक भी नहीं है, जो सच्चाई है इंडिया के पास इतना अच्छा सिक्योर डेटा लिंक भी नहीं है कि जो कोडिंग में मैसेज भेज सके। तो ये एग्रीमेंट एक्चुअली देखेगा तो ये दोनों एग्रीमेंट बहुत सही है, ये तीनों एग्रीमेंट। एक चौथा एग्रीमेंट भी किया गया बेका। बेका एक इतना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो यूएसए किसी के साथ जल्दी नहीं करता है, बहुत ही चुनिंदा कंट्री है जिसके साथ ये किया जाता है, इंडिया उनमें से एक है। अब जो भी ये तीन एग्रीमेंट करता है आप समझ के चलो वो यूएसए का सबसे बेस्ट पार्टनर्स में आता है, अलाइज में आता है। बेका में मोस्टली आपको बताऊं बेका में क्या होता है, बेका में है कि अभी जैसे कोई हथियार चल रहा है, मतलब मैंने इधर से ब्रह्मोस मारा या मान लीजिए कोई भी एक मिसाइल मारा, वो मिसाइल जब जाएगा तो किसी को भी आप पाथ फाइंडिंग करने के लिए लगाते हो ना, जैसे आप भी कहीं जाते हो तो कहीं कोई अनजान जगह पर जा रहे हो तो आप देखते हो ना कि ये जाना चाहिए, मतलब मेरे को रास्ता किधर से दिखेगा। तो बेका के अंदर हम उसका मिलिट्री सैटेलाइट्स भी यूज कर सकते हैं जो हमारे हथियार को दिशा दिखाएंगे कि कहाँ जाना है कैसा जाना है। इसके अंतर्गत वो भी हमारा मिलिट्री सैटेलाइट्स यूज कर सकता है, किसी का सबमरीन कहाँ छुपा हुआ है, हम इधर से एंटी सबमरीन मिसाइल मार दिए, अभी किसी का सबमरीन पानी के अंदर कहाँ पर छुपा हुआ है ये चीज उसका सैटेलाइट पकड़ लेता है। अभी जब उसका सैटेलाइट जब पकड़ लेता है तो वो हमको बता देगा तो हमारा मिसाइल को हम उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अभी हमारे पास आप समझ के चलो ये एग्रीमेंट के बाद कितना बड़ा चीज है, हमारे पास 3-5 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो कि टोटली डेडिकेटेड है फॉर मिलिट्री, वो भी मिसाइल चलती हैं कोई भी हम प्लेन से जो सीकिंग करते हैं उसके लिए। चाइना के पास 5-7 हैं, अभी सोचो यूएसए के पास कितना रहेगा, 150+, 150 से ऊपर, 175 से भी प्लस है आई थिंक सो, 175 से भी प्लस उसके पास सैटेलाइट्स हैं, डिफेंस सैटेलाइट्स जो कि टोटली मिलिट्री का काम में आते हैं। तो हम लोगों को तो उतना खर्चा भी नहीं करना पड़ा, इंडिया ने इतना अच्छा दिमाग लगाया और इतना ये चार जो एग्रीमेंट किया है इससे इंडिया का डोमिनेंस पूरा आप समझो हिंद महासागर में इतना बढ़ गया है विथ सिक्योरिटी। हमारा कोई हम भी कुछ किसी के ऊपर अटैक करने के भी सोच रहे हैं या कुछ रणनीति बना रहे हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ी खासियत है इन चारों एग्रीमेंट का, लेमुआ, कोमकासा, ISA, बेका, इसके थ्रू इंडियन ओशन में इंडिया का डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ गया। इन एग्रीमेंट का एक्चुअली अभी हम लोगों को अब ध्यान देना चाहिए, न्यू सबमरीन्स, न्यू प्लेन्स, फ्रिगेट्स, फाइटर जेट्स, न्यू अपना कॉर्बेट्स, इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी लिमिटेड संख्या में। इन सब चीजों का फायदा तभी है जब हमारे पास नंबर्स में भी ज्यादा हो विद क्वालिटी। भेज दीजिए, अभी आप कोई चीज को अगर भेज देंगे
मान लीजिए हम अटैक करने के लिए चाइना चले गए, हमारा बीच में तेल खत्म हो गया, तो लेमवा के अंदर हम समझिए वहां पे तेल भी ले सकते हैं, हमको वापस इंडिया आने की जरूरत नहीं है, हमारा खत्म हो गया तो हम वहीं से चले जाएंगे जापान में, फिलीपींस में, जापान में, दुनिया भर का तो अड्डा है उसका, कहीं से भी जाके जो चाहिए हम वो भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास उतना क्षमता चाहिए करने का। तो अभी एक्चुअली गवर्नमेंट को इन सब चीजों को ज्यादा मैन्युफैक्चर करने में ध्यान देना चाहिए, और प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा बहुत है, अडानी अंबानी, उनको घुसा देना चाहिए बिरला को कि भाई तुम लोग डिफेंस में घुस जाओ। अभी एक्चुअली घुसा भी दिया गया है और वो लोग कर भी रहे हैं, और थोड़ा पुश करना चाहिए कि ये कर ले, तब जाके हम उन लोगों के ऊपर डोमिनेंस बहुत हद तक एकदम चाइना के सर पे जाके बैठ सकते हैं। पाकिस्तान को तो हम कभी काउंट भी नहीं करते हैं, पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, इज नथिंग फॉर अस, वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो चीजें थी कि ये हो गया है, ये चारों एग्रीमेंट्स इज वेरी बेस्ट एग्रीमेंट, जस्ट वी हैव टू इंक्रीज अवर नंबर्स इन सबमरीन्स, प्लेन्स एंड फ्रिगेट्स, और इसके बाद हम लोग तो दिखाई देंगे क्या चीज है, फिर आगे देखते हैं चाइना क्या करता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चारों एग्रीमेंट कितने महत्वपूर्ण थे हमारे इंडियन डिफेंस के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।